नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर आलोक और आप देख रहे हैं लीगल एक्सप्रेस। दोस्तों, आज के इस वीडियो सेगमेंट में हम लोग एडवोकेट्स एक्ट 1961 का लेक्चर 7 देखने वाले हैं, जिसमें हम लोग स्पेसिफिकली बात करने वाले हैं फंक्शन ऑफ इंडियन बार काउंसिल का। तो इसके पहले हम लोगों ने स्टेट बार काउंसिल को समझा था, स्टेट बार काउंसिल के फंक्शन के बारे में जाना था। तो आज हम लोग इंडियन बार काउंसिल के फंक्शंस के बारे में डिटेल में समझेंगे। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो को। दोस्तों, यहां आपकी स्क्रीन पे आपको इंडियन बार काउंसिल का फंक्शन लिखा हुआ है और उस फंक्शन का पहला पॉइंट यहां दिया हुआ है, इट मस्ट एस्टैब्लिश स्टैंडर्ड ऑफ प्रोफेशनल कंडक्ट एंड एटिकेट्स फॉर द एडवोकेट। तो इंडियन बार काउंसिल की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो प्रोफेशनल कंडक्ट और एटिकेट के लिए एक स्टैंडर्ड मेंटेन करे, जिसको कि सारे एडवोकेट्स फॉलो करें ऑल ओवर इंडिया। तो उसके लिए एक एस्टैब्लिशमेंट होना चाहिए कि एक ऐसे लॉ बनाए जाए, एक ऐसे रूल्स बनाए जाएं जो किसी भी एडवोकेट का जो हमारे बार काउंसिल में रजिस्टर्ड होता है, स्टेट बार काउंसिल में रजिस्टर्ड होता है, उसको प्रोफेशनल कंडक्ट और एटिकेट्स के बारे में पता हो। उसके लिए रूलिंग बनानी बहुत जरूरी है। दोस्तों, यहाँ दूसरा पॉइंट आपको दिख रहा है, इट मस्ट एस्टैब्लिश स्पेसिफिक प्रोसीजर टू बी फॉलोड बाय इट्स डिसिप्लिनरी कमेटी एंड द डिसिप्लिनरी कमेटी ऑफ ईच स्टेट बार काउंसिल। तो इसकी ये भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो एक स्पेसिफिक प्रोसीजर को फॉलो करके डिसिप्लिनरी कमेटी का इस्टेब्लिशमेंट करें और ये डिसिप्लिनरी कमेटी डिसिप्लिन को मेंटेन करेगी ऑल ओवर इंडिया। साथ ही स्टेट बार काउंसिल की भी डिसिप्लिनरी कमेटी को इस्टेब्लिशमेंट का काम जो है इंडिया बार काउंसिल देखती है, वो भी किस तरह से काम कर रही है, डिसिप्लिनरी कमेटी कैसे गठित हो रही है। इंडियन बार काउंसिल का जो मेन फीचर है, वो मेन फीचर में ये भी है कि आप जो है प्राइमरी फंक्शन इसका ये है कि मेंटेन और कॉमन रोल, एक कॉमन रोल को मेंटेन करें एडवोकेट्स के लिए। ये इसका एक बहुत ही बड़ा फंक्शन है कि कॉमन रोल प्रिपेयर करना इंडियन बार काउंसिल के द्वारा। दूसरा पॉइंट आपको दिख रहा है, इट्स ड्यूटीज इंक्लूड जनरल सुपरविजन एंड कंट्रोल ओवर स्टेट बार काउंसिल। तो इसका एक ये भी फंक्शन है कि वो जनरल सुपरविजन करे, सभी स्टेट बार काउंसिल का एक जनरल सुपरविजन करे और स्टेट बार काउंसिल के ऊपर उनका अपना एक कंट्रोल, उनका नियंत्रण होना चाहिए। यही तीसरा पॉइंट ये कहता है, इट हैज़ टू प्रमोट लीगल एजुकेशन। इंडियन बार काउंसिल का ये भी एक फंक्शन है कि ये इंडिया के अंदर लीगल एजुकेशन को प्रमोट करे, कैसे वो क्या प्रोसीजर ला सकती है जिससे कि लीगल एजुकेशन को एक ऊंचाइयों तक पहुँचाया जा सके, इसके लिए भी इंडियन बार काउंसिल को काम करना चाहिए। नेक्स्ट फंक्शन है, इट हैज़ टू सेट स्टैंडर्ड्स फॉर द एजुकेशन इन कॉन्स्टिट्यूशनल विद द स्टेट बार काउंसिल एंड यूनिवर्सिटीज इन इंडिया दैट डील विद द हायर एजुकेशन। अब इस जो इंडिया बार काउंसिल है, इसके लिए भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो एक स्टैंडर्ड को मेंटेन करे जिसमें कि लीगल एजुकेशन के बारे में बात हो कि लीगल एजुकेशन का क्या स्टैंडर्ड होना चाहिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। हमारे स्टेट बार काउंसिल और जो यूनिवर्सिटीज़ हैं जो कि लीगल एजुकेशन के लिए डिग्रियाँ दे रही हैं, उनके लिए क्या स्टैंडर्ड्स होना चाहिए, वो भी इंडियन बार काउंसिल डिसाइड करती है। चाहे वो LLB की पढ़ाई हो, चाहे वो LLM की पढ़ाई हो, चाहे वो PhD हो रही हो लॉ से, इन सारे के बारे में जो स्टैंडर्ड्स मेंटेन करना है या देखना है, वो इंडियन बार काउंसिल का काम है। दोस्तों, नेक्स्ट फंक्शन आपको दिख रहा है, दे ऑल्सो हैव द रिस्पॉन्सिबिलिटीज टू आइडेंटिफाई द यूनिवर्सिटीज वेयर अ लॉ डिग्री क्वालिफाइज अ ग्रेजुएट फॉर इनरोलमेंट एज एन एडवोकेट। तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारे इंडियन बार काउंसिल की है कि वो उन सारे यूनिवर्सिटीज़ को रिकॉग्नाइज करे, उनको आइडेंटिफाई करे जो कि लॉ की डिग्रियाँ देती है, उनको एक आइडेंटिफिकेशन की ज़रूरत है, तो वो आइडेंटिफिकेशन करना भी इंडियन बार काउंसिल का काम है। एंड टू द एंड दे आइदर विजिट एंड इंस्पेक्ट दोज यूनिवर्सिटीज आर गिव स्टेट बार काउंसिल अ स्पेसिफिक डायरेक्शन टू विजिट द एंड इंस्पेक्ट द यूनिवर्सिटीज। तो या तो इंडियन बार काउंसिल की ये खुद रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जो जो यूनिवर्सिटीज हैं जो लॉ की डिग्रियाँ दे रही हैं उनको आइडेंटिफाई करना, उनको विजिट करना, उनके स्टैंडर्ड्स को देखना कि उनके क्या स्टैंडर्ड्स हैं, किस तरह से वो एजुकेशन लॉ का एजुकेशन प्रोवाइड कर रहे हैं, वो पूरे स्टैंडर्ड्स को फॉलो कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी इंडिया बार काउंसिल की है। तो या तो इंडिया बार काउंसिल खुद जाके वहाँ के जो मेंबर्स हैं वो जाके उसको विजिट करें, या वो स्टेट बार काउंसिल को डायरेक्शन दें
वो जाकर यूनिवर्सिटीज़ को आइडेंटिफाई करके उनको विजिट करें और उनके स्टैंडर्ड्स को देखें, वो स्टैंडर्ड्स को फॉलो कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। दोस्तों, अगर कोई डिग्री फॉरेन की है, जैसे यहाँ लिखा हुआ है, दे ऑल्सो रिकॉग्नाइज अ रेसिप्रोकल बेसिस ऑफ फॉरेन लीगल क्वालिफिकेशन गेन्ड आउटसाइड ऑफ इंडिया फॉर द पर्पज ऑफ एडमिशन एज एन एडवोकेट अंडर द एक्ट। अब अगर इस एक्ट के तहत कोई भी एडवोकेट में इनरोल करना चाहता है लेकिन उसने डिग्रियां जो है फॉरेन से ले रखी हैं, तो उन फॉरेन की डिग्रियों के क्वालिफिकेशंस को भी जज करना, उनको आइडेंटिफाई करना, उनको उनके बारे में जो है पता लगाना, ये सारी चीज़ें भी जो है इंडियन बार काउंसिल की हैं कि वहाँ क्या स्टैंडर्ड्स फॉलो किए गए हैं, किस तरह से वहाँ पर लॉ की डिग्री दी गई है फॉरेन से, और वहाँ से कोई बंदा जो है डिग्री लेकर आता है और जब इंडियन बार काउंसिल या किसी भी स्टेट बार काउंसिल में रजिस्टर करना चाहता है, तो ऐसे क्वालिफिकेशंस वाले को भी हमें जज करना हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हमारे इंडियन बार काउंसिल की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। दोस्तों, अदर ड्यूटीज़ के बारे में अगर हम बात करें, इंडियन बार काउंसिल की अदर ड्यूटीज़ क्या हैं, तो द बार काउंसिल ऑफ इंडिया कैरीज आउट सच एक्टिविटीज़ एज सेटिंग अप वन आर मोर फंड्स फॉर द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द वेलफेयर प्रोग्राम्स फॉर पुअर एंड डिसेबल्ड एडवोकेट्स प्रोवाइडिंग लीगल असिस्टेंस एंड एडवाइस एज वेल एज फॉर एस्टेब्लिशिंग लॉ लाइब्रेरीज। एडिशनली दे रिसीव गिफ्ट्स डोनेशन बेनिफिशियर। अब ये देखिए, ये सारी चीज़ें कि इसकी अदर ड्यूटीज़ क्या हैं, ये वेलफेयर प्रोग्राम करे, पुअर लोगों को लीगल एड्स प्रोवाइड करे, लाइब्रेरीज का फॉर्मेशन करे, जिस तरह से स्टेट बार काउंसिल के अदर ड्यूटीज़ थी उसी तरह से इंडियन बार काउंसिल की भी वही ड्यूटीज़ हैं। तो ये भी कोई भी चल अचल संपत्ति के मालिक हो सकते हैं, कोई डोनेशन गिफ्ट अगर इनको मिल रहा है तो उसको रिसीव कर सकते हैं, तो ये भी एक तरह से एक आर्टिफिशियल बॉडी की तरह ही काम करेंगे। और वो सारी चीज़ें जो स्टेट बार काउंसिल में हम लोगों ने पिछले वीडियो में देखा था अदर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में, वो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ इंडियन बार काउंसिल की भी हैं। इंडियन बार काउंसिल कॉन्फ्रेंसेस को ऑर्गेनाइज करे, सेमिनार ऑर्गेनाइज करे, लाइब्रेरीज़ के बारे में बात करे, लाइब्रेरीज़ को बनाए ताकि जाकर लोग वहाँ पर अपना एजुकेशन की जो पढ़ाइयाँ हैं वो कर सकें, कुछ नॉलेज लेना चाहे तो वो ले सकें। तो ये सारी ड्यूटीज़, ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ इंडियन बार काउंसिल की हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। बहुत ही शॉर्ट में हम लोगों ने फंक्शन ऑफ इंडियन बार काउंसिल को समझा है। अगर आपको अच्छा लगता है तो आप अपने लाइक्स और कमेंट्स ज़रूर करें। धन्यवाद।